हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है। और जैसे कि आज 11 बजे वाली क्लास नहीं आ पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज हिंदी का हमारा टर्न है जिसमें हमने इसके पहले उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स या जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। और आज की इस वीडियो में वही दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको आंसर आते हैं तो आप आंसर ज़रूर कीजिएगा, वरना मैं आंसर तो बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर हाँ आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि शब्द रचना कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 3, 5। तो फ्रेंड देखिए, शब्द रचना जो होती है वो होती है आपका 3 प्रकार की। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि उपसर्ग किसे का उपसर्ग को कहते हैं? अनित्य प्रत्यय, आदि प्रत्यय, मध्य प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने आप सभी से बताया भी था कि उपसर्ग को यानी जो लास्ट शुरू में लगाया जाता है, ठीक है, उसे हम आदि प्रत्यय भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति हुई व्युत्पत्ति उपसर्ग प्लस ग से, उप प्लस सर्ग से, उ प्लस उपसर्ग से, उपस प्लस गर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। उपसर्ग की जो उत्पत्ति हुई है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उप प्लस सर्ग से। फोर्थ आपका क्वेश्चन है कि उपसर्ग के लिए नहीं किए जा सकते खंड, सार्थक खंड, निरर्थक खंड, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, उपसर्ग आपका जो क्वेश्चन चौथा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उपसर्ग के नहीं किए जा सकते खंड या सार्थक खंड या निरर्थक खंड, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का सार्थक खंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा शब्द के आदि में। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है? उत उसमें त में हलंत लगा है, उतक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आ रहा है तो आप इसका आंसर कर सकते हो कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका जो हमने डिस्कस भी किया था, देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछता है तो इससे ये नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उ और नीचे त हलंत। ठीक है, तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। 7 आपका प्रश्न है कि निष्कपट शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए निस, ऑप्शन बी नी और श में हलंत है, ऑप्शन निश यानी आपका छोटा वाला स और हलंत, या फिर निस। तो निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए फ्रेंड्स, निष्कपट में जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 7 का सी हो जाएगा। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये हो सकता है, बट ये नहीं होगा, आपका ये होगा। ठीक है, ये वाला। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि जय जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है? यानी अगर हम जय में कौन सा उपसर्ग लगाते हैं, जैसे कि वी है, परी है, परा है, अ है, तो कौन सा ऐसा उपसर्ग लगाते हैं जो कि जय का क्या हो जाता है, विलोमार्थक यानी उल्टा हो जाता है। तो वी आपको दिख रहा है, परी दिख रहा है, तो अगर आप विजय विजय, ठीक है विजय, उसके बाद देखिए परी परी यहाँ पे है परिजय या पराजय या फिर, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत ही आसान से कर सकते हो। देखिए जय और यहाँ पे पराजय, यानी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वां का हो जाएगा आपका सी। 9वां आपका क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक,
अपनापन, समझदार। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इजी है, इसका भी आंसर कर सकते हो कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप देख सकते हो लाभदायक ऐसा तो होता नहीं है, इसमें कोई उपसर्ग ही नहीं है, अपनापन, समझदार। तो फ्रेंड देखिए जो आपका उपकार है इसमें उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, यानी किसमें उपसर्ग नहीं लगा है, संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो संयोग में भी है, विदेश में भी है, अत्यधिक भी हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पर जो सुरेश है ये आपका उपसर्ग रहे थे, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11th नंबर आपका प्रश्न है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अ, अति, अंत, अ। तो यहाँ पर देखिए अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अति, ये वाला अति से मिलकर अत्यंत, यानी सबसे पहले उपसर्ग जो है वो अति है। अगला आपका क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मुरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, उप प्रधानमंत्री में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी उप प्रधानमंत्री में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग, देशज अभिषेक, देशज उपसर्ग। तो फ्रेंड देखिए 12th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यहाँ पर जो है तस्तम उपसर्ग हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ पर जो उप प्रधानमंत्री में जो आपका उपसर्ग है वो है तस्तम उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तस्तम उपसर्ग। अगला बढ़ते हैं, देखिए अगला आपका प्रश्न है कि प्रत्यय शब्द निर्मित है, अब प्रत्यय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, प्रत्य प्लस ए, प्रत्यय प्लस या, प्रति प्लस ए, प्रति प्लस या। तो फ्रेंड्स ये भी इजी क्वेश्चन है, 13th का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13th का सी, प्रति प्लस ए को मिलाकर हमारा प्रत्यय बना है। 14th आपका प्रश्न है कि प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय लगाए जाते हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि शब्द के आदि में क्या लगाया जाता है, तो उपसर्ग लगाया जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रत्यय लगाए जाते हैं तो वो लगाए जाते हैं शब्द के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शब्द के अंत में प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th आपका प्रश्न है कि जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। तो जो शब्द के अंत में जुड़कर, तो अभी हमने जस्ट देखा जो प्रत्यय होता है वो शब्द के लास्ट में जोड़ते हैं, ठीक है, और वो अर्थ को चेंज कर देता है। तो ये फ्रेंड देख सकते हो कि क्या कह रहा है कि परिवर्तन कर दे उसे हम क्या कहते हैं, समास तो होगा नहीं, अव्यय भी नहीं होगा, उपसर्ग भी नहीं होगा, तो यहाँ एक ही ऑप्शन बच रहा है वो है हमारा प्रत्यय। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। 16th नंबर आपका क्वेश्चन है कि कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो फ्रेंड देखिए ये भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हो जाएगा क्रिया, यानी कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं, तो क्रिया ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। अगला आपका 17th नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना, दैविक, सामाजिक, भौमिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे क्या लग रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पद है जिसमें लास्ट में जो प्रत्यय इक है उससे नहीं बना है, ठीक है। आपका 17th नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे आपका है, आप खुद एक बार बोलो, दैविक, ठीक है, तो दैविक यानी यहाँ भी इक आ रहा है ना, हम ऐसे ही चेक करेंगे, सामाजिक तो यहाँ भी इक आ रहा है, भौमिक तो यहाँ भी इक आ रहा है, तो जब तीनों में ही हमारा इक प्रत्यय लगा है तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया,
वो हो जाएगा डी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम तीनों ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद जब तीनों ही गलत है तो 100% तय है कि चौथा सही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो इक प्रत्यय से ना बना हो। तीनों ही शब्द बना है, दैविक भी बना है, सामाजिक भी बना है, भौमिक भी बना है। ठीक है, 18 नंबर आपका प्रश्न है कि अनुज अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है जैसे आंग, ठीक है, यत, आ, ई। तो फ्रेंड्स, अनुज आपका शब्द है, उसको स्त्रीवाचक बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या जोड़े कि वो स्त्री बन, मतलब स्त्रीवाचक बन जाए। जैसे अनुज अभी क्या है, पुरुषवाचक है, अब अभी आप खुद बोलो, लेकिन इसको स्त्रीवाचक बनना है तो यत या यत जोड़ेंगे, अनुजियत, अनुजी। तो फ्रेंड देखिए, खुद आप एक बार देखो, अनुजा, ठीक है, अनुजा नाम भी होता है, अनुजा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर, अगर हम लास्ट में प्रत्यय आ को जोड़ते हैं अनुजा में, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो स्त्रीवाचक हो जाएगा। यानी इसमें क्या हम प्रत्यय जोड़े हैं, वो जोड़े हैं आ। तो यहाँ पे 18 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर आपका प्रश्न है कि सनसनाहट, ठीक है, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है। सन, सनसन, हट, आहट। तो हमने बताया भी था, घबराहट, सजावट, सनसनाहट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आसानी के साथ आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, सनसनाहट, जैसे आप देख सकते हो, सन सनाहट, ठीक है, क्या यहाँ से आप देख सकते हो, आहट, हट नहीं है, यहाँ पे आ का मात्रा है, इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हमारा आहट। यानी सनसनाहट में जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आहट। अभी आप फिलहाल में देखो तो ये आपका सन, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पहले लगा है, सनसन ये भी नहीं होगा, हट ये भी नहीं होगा, आहट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आहट। ठीक है, देखिए लास्ट आज का क्वेश्चन है कि दशत्व में प्रत्यय है, दशत्व जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तव, षत्व, व, त्वा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपका हो जाएगा वो हो जाएगा त्वा, यानी दशत्व में जो आपका प्रत्यय लगा है वो लगा है त्वा। अब फ्रेंड्स, आप सभी के लिए 4 से 5 क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। आप सभी को ये बताना है कि अगर हम ई प्रत्यय से कौन कौन से दो शब्द, मात्र बताइए, ई प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो कौन कौन से शब्द बन जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये आपका प्रत्यय और एक उपसर्ग से भी पूछ लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम प्रति, ठीक है, प्रति से बने उपसर्ग शब्दों, यानी प्रति उपसर्ग से 3 से 4 शब्द आप सभी को बताना है। तो ये आप सभी के लिए इतने 2 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, आप इसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर देंगे, ये तो मुझे पता ही है, क्योंकि जो आप सभी की प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है और आप इसी तरीके से करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 5 बजे वाली क्लास में जो कि इंग्लिश की क्लास है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और जिन्होंने लाइक कर दिया उनको थैंक यू सो मच। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।